एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ रिपब्लिक डे का स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको तीन चीज़ें बताऊँगी, जो कि है एक पेन स्टैंड, बॉटल आर्ट और एक DIY कैंडल। तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं आज DIY कैंडल। कैंडल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर राइस ले रही हूँ, और मैंने यहाँ पर दो बॉल में राइस लिया और ये वाटर कलर लिया है जो बच्चे अपने पेंटिंग में यूज़ करते हैं। एक बॉल में जो राइस है उसमें मैं ऑरेंज कलर मिला लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके, और जो दूसरे बॉल है उसमें मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और ग्रीन कलर का राइस बना लूँगी। ऑरेंज और ग्रीन कलर को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना कि लाइट और डार्क आपको चाहिए। उसके बाद मिक्स करने के बाद इस राइस को हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। मैंने एक, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, मैंने कार्डबोर्ड लिया है उस पर राइस को फैला दिया है, और ड्राई होने के लिए मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी फ़ैन के नीचे। और ये देखिए अब हमारे राइस जो है ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद इनको हम कार्डबोर्ड से निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने ये कांच का एक ग्लास लिया है। ग्लास की जगह पर आप ट्रांसपेरेंट बॉटल भी ले सकते हैं, या फिर ग्लास का साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर नीचे यूज़ किया है और उसको टैप टैप करके बिल्कुल एक जगह फ़िक्स कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये वाइट रंग का राइस लूँगी, जिसमें कि मैंने कोई कलर नहीं किया है, क्योंकि हम इसको तिरंगा के कलर का बनाएंगे। तो और सबसे ऊपर ऑरेंज कलर, और देखिए हमारी ये DIY कैंडल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर कोई भी दिया रखकर हम इसको जलाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं डेकोरेशन के तौर पर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैंडल का फाइनल लुक। सेकेंड DIY के लिए मैंने यहाँ पर ये सॉस की बॉटल का यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने लिया है फेविकॉल और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। उसके बाद बॉटल में हम एक कोट कर लेंगे। एक पूरा कोट करने के बाद उसको थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसमें राइस का यूज़ करेंगे। तो एक कोट होने के बाद अब हम, मैंने सेकेंड कोट के लिए दोबारा ये फेविकॉल लगाया है और उस पर राइस को चिपका रही हूँ, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरी बॉटल पर राइस लगा लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग कलर के राइस बनाकर भी बॉटल पर लगा सकते हैं, जैसे कि हमने कैंडल बनाई थी सेम उसी कलर के राइस बनाकर बॉटल पर लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक बॉटल आर्ट का वीडियो और भी बताया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, और वीडियो के एंड में भी आप चेक कर सकते। उसके बाद ग्रीन कलर की एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली थी, जिससे कि पार्टीशन हो जाएगा, और ग्रीन कलर स्पॉन्ज की हेल्प से हमने पूरी बॉटल पर कर लिया है। सेम उसी तरीके से हम ऑरेंज कलर भी कर लेंगे ऊपर के एरिया में, और इन सारे कलर्स का डबल कोट करूंगी मैं, और बीच वाले पार्ट में वाइट कलर कर देंगे। ड्राई होने के बाद एक कोट और करेंगे, और हमारी बॉटल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक। थर्ड DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पुराना च्यवनप्राश का डब्बा लिया है और उसके ऊपर के रैपर को निकाल दिया है, और इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो अब हमें एक ग्लास की शेप मिल गई है, और इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करके कलर कर लेंगे। नीचे हम ग्रीन कलर करेंगे, और मैंने कलर ये स्पॉन्ज की हेल्प से किया है। उसके बाद बीच में वाइट कलर किया है, और सबसे ऊपर हम ऑरेंज कलर कर लेंगे। ये भी कलर तीन पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने किया है, और इसका भी ड्राई होने के बाद मैं डबल कोट करूँगी। एक कोट कंप्लीट होने के बाद दोबारा हम सब पर डबल कोट कर लेंगे। और सेम मैंने यहाँ पर वाटर कलर का यूज़ किया है। ये तीनों कलर वाटर कलर हैं जो बच्चे अपने पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने उसी सॉस की बॉटल का ऊपर का ढक्कन लिया है, और उससे मैंने एक व्हील की शेप बना ली है, यानी कि एक चक्र बनाएंगे यहाँ पर हम, जो तिरंगे में होता है। तो जैसे हमारे फ्लैग में एक व्हील बना होता है और उसमें लाइन बनी होती हैं, स्केल की हेल्प से हम, मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारा पेन स्टैंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसे कि हमारा फ्लैग होता है उसी कलर का हमने ये पेन स्टैंड बनाया है। तो आप देखिए पेन स्टैंड का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।